परम पूज्य महर्षि महेश योगी उपदेशामृत प्रवाह। सारे विश्व की चेतना में हमेशा सतोगुण बना रहे और कभी रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियां समाज को अपने वश में न करने पाए, दुख किसी को न होने पाए। हेयम दुखम अनागतम, कि दुख को आने से पहले हटाओ, कोई दुख को आने से पहले हटाओ, ये वैदिक जीवन का आदर्श है। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए इसके लिए क्या, अज्ञान को पूरा हटा दो, चेतना ज्ञानवान बना लो, और आत्म चेतना में पूरा ज्ञान है। आत्मा को कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा पूर्ण है, ये आत्मा ब्रह्म है। तो ब्रह्म के माने पूर्ण क्रिया शक्तिवान और पूर्ण शांतिवान। ब्राह्मी सत्ता जो होती है, पूर्णता की सत्ता जो होती है, पूर्ण चेतना जो होती है, आत्मा की चेतना में जो पूर्णता है, वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण क्रिया का यौगिक रूप है। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण क्रिया दोनों मिल गए तो वो ब्राह्मी चेतना हो गई। तो भारतीय जीवन में या जीवन की यथार्थता में सबके लिए, कोई कहीं भी हो, चाहे कोई कहीं भी हो, उत्तरी ध्रुव में हो, दक्षिणी ध्रुव में हो, कहीं हो, सबके लिए अयम आत्मा ब्रह्म, हर एक की आत्मा पूर्ण है। पूर्ण है कि माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण क्रिया की सत्तावान है, सर्वसमर्थ है। देखो ये शब्द जो है बहुत बहुत भाग्यशाली शब्द है। हर एक आदमी की चेतना पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण क्रिया की शक्तिवान है, हर एक की चेतना सर्वसमर्थ है। ये पूर्ण सत्ता का उद्घोष है। हर एक की चेतना, हर एक की आत्म चेतना सर्वसमर्थ है, और भारत भूमि में समर्थ होते आए हैं, तमाम पीढ़ियों में लोग समर्थ होते आए हैं। तो वो क्या है, जो आत्म चेतना का सहज स्वभाव है, अपने पूर्वजों के प्रताप से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्हें ध्यान किया, आत्म चेतना का दर्शन किया, आत्म चेतना की जो ज्ञान की सत्ता है उसको अपनी चेतना में जगा लिया, बस सर्वसमर्थ हो गए। ये जितना रिद्धि सिद्धिवान जीवन, भारत का जीवन साधारण जीवन नहीं होता, ये वेद भूमि भारत है, ये पूर्ण भूमि भारत है, ये देव भूमि भारत है। यहाँ क्या है, कण कण में भगवान है, हर एक के भौतिक शरीर के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, गणपति भगवान है, दुर्गा अम्बा हैं, सरस्वती माता हैं, महालक्ष्मी हैं, ये भारतीय जीवन है। धन की प्राप्ति के लिए क्या है, आँख मूंदो या आँख खोलो, श्री सूक्त का पाठ कर लो, देवी सूक्त का पाठ कर लो, महालक्ष्मी का कवच का पाठ कर लो,
इनके सहस्र नामों का पाठ कर लो, क्या होगा? सहस्र सहस्र धारा के रूप में लक्ष्मी का प्रवाह जीवन में होगा। यही सरस्वती का होगा, यही दुर्गाम्बा का होगा शक्ति का, यही शिवत्व का होगा शांति का, यही विष्णुत्व का होगा क्रिया के क्षेत्र का। ये भारतीय जीवन की पूर्णता है। ये क्या है? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये सर्व समर्थ बनाने वाला पूरा ज्ञान, ये सर्व समर्थ बनाने वाली पूरी क्रिया शक्ति, ये समस्त वैभव प्रदान करने वाली महालक्ष्मी का वैभव, ये क्या है? अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े से समय में पूरी की पूरी विद्या आ गई। ये वेद भूमि भारत की स्वाभाविक सत्ता है, ये वेद भूमि भारत की महिमा है, ये वेद भूमि भारत का सहज नित्य स्वभाव है, सहज नित्य स्वभाव है। भारतीय चेतना में एक समाज होता है, उसको कहते हैं वैश्य समाज। वह महालक्ष्मी की आराधना करके, यज्ञ महायज्ञ करके, सारी वैभव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, महालक्ष्मी हैं, जिनका वास सबके हृदय में है, उनकी भक्ति करके अपनी चेतना को उस महान सर्वसमर्थ वैभवशाली चेतना से मिला लेते हैं, घर में बैठे बैठे मिला लेते हैं। अब ये गड़बड़ हो गया था कुछ सैकड़ों वर्षों से गड़बड़ हो गया, कलयुग का हो गया, प्रभाव हो गया। नहीं तो अपने अपने घर में माताएं बच्चों को बैठा के ध्यान करा के, और महालक्ष्मी का दिन आया, महालक्ष्मी की पूजा हो रही है, वेद पाठी पंडितों को बुला के वेद पाठ करा रहे हैं, महालक्ष्मी की पूजा हो रही है, आज गणेश चतुर्थी है, पूजा हो रही है, आज नवरात्रि है, पूजा हो रही है, रामनवमी है, पूजा हो रही है। ये दैवी क्षेत्र है, और भारत का एक 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 ऐसा देश है, जैसे होता ना, कह सकते हैं उसको, उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोई पावर हाउस होता है, एक जगह पावर हाउस है, वहाँ से बिजली की लाइनें तमाम हर घर में पहुँच जाती हैं। ठीक यही बात है कि भारत में जो दैवी शक्ति का ज्ञान, जो दैवी शक्ति का ज्ञान माने जो क्रिया का ज्ञान है, वो जो वेद है उसमें पूरी ज्ञान है, उसमें पूरी क्रिया की शक्ति है, उसमें ज्ञान को क्रिया में परिणित करने की जो ये परिवर्तनकारी गुण हैं, पूरे के पूरे वैदिक शब्दों में हैं, यज्ञों के द्वारा, ग्रह शांति के द्वारा। अपने हेयम दुख मनागतम, ये भारत के जीवन का आदर्श है, हेयम दुखम अनागतम। तो भारत क्या करता है? सारी दुनिया को भारत क्या समझता है? अपना कुटुंब है, परिवार है, विश्व परिवार है।
अपने परिवार में देखो, कभी किसी का एक सर का सिर दर्द होता है, सब लोगों को सिर दर्द हो जाता है, सब लोग इधर उधर दौड़ो किसी तरह से सिर दर्द मिटाओ। ये भारत की जिम्मेवारी है कि अपने विश्व परिवार में जो अशांति हो, कहीं दुख हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो, उसको अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपने सर्वसमर्थ दैवी शक्ति से अपने परिवार का दुख मिटाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पावर हाउस अगर चल रहा है तो वो हजारों घरों में बिजली पहुंचा रहा है। भारत वो पावर हाउस है, वो दैवी शक्ति का केंद्र है, और इस दैवी शक्ति को जगाने के लिए वैदिक परिवार हैं, वो इसके इंजीनियर्स हैं, उनको देवताओं की इंजीनियरिंग मालूम होती है, कौन सा मंत्र कहाँ लगा दें, कौन सा मंत्र कहाँ लगा दें। अभी इसको ये बीमारी हो गई, इसका देखो कुंडली देख लो, कौन से ग्रह गड़बड़ हो गए, क्या हो गया, ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है। और ये इंजीनियरिंग क्या है? जैसा कहते हैं प्रकृति वैसा करती है, कहना भी नहीं पड़ता, इच्छा करनी पड़ती है, हो गया, जो इच्छा करिहो मन माही, मन माही जो इच्छा। ये भारत है, ये देव भूमि भारत है, ये वेद भूमि भारत है, और यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं वैदिक हैं, वैदिक हैं, वैदिक हैं। जितनी भी गड़बड़ी हो गई है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बीज नष्ट नहीं होता, इसलिए कि वेद सारे विश्व ब्रह्मांड की अनेकताओं का मूल है, सारे विश्व की अनेकताओं का मूल है। कुछ लोग भूल भाल जाएंगे, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, करते रहेंगे, ये तो होते ही रहेगा, ये तो होते ही रहेगा। लेकिन इंजीनियरिंग, जैसे बिजली की इंजीनियरिंग तमाम सब लोग जानते हैं, जानते हैं, तो दो चार इंजीनियर इधर उधर गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं है होगा तो दूसरे इंजीनियर काम करेंगे, दूसरे इंजीनियर काम करेंगे। वेद जो है उसके दो दो शब्दों का उसका व्याख्या होती है, वो दो शब्द हैं मंत्र और ब्राह्मण, माने मंत्र और वो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जो चेतना का क्षेत्र है, और चेतना ही क्षेत्रज्ञ है, चेतना ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्रियात्मक है। वेद, अब ये जो पंडित लोग करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, इन एक ने ऋग्वेद बोला, एक ने सामवेद के मंत्र बोले, फिर यजुर्वेद के बोले, फिर अथर्ववेद, वो खाली बोलते ही तो हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वैसा वैसा उस अनुपात में और उस अनुपूर्वी क्रम में जब वो मंत्र बोले जाते हैं तो वैसा प्रभाव होता है। वो सब लिखा हुआ है, वो सब वैदिकों की परंपरा में वैदिक लोग जानते हैं, क्योंकि परंपरा पिता से पुत्र में ये चली आ रही है, चली और हमेशा के लिए चली आ रही है, हमेशा चलती जाएगी। जो इसका फायदा लेना चाहे ले सकता है, जिसको जिसको फायदा नहीं लेना वो नहीं ले सकता है। चाहे जो हो, सारी प्रकृति पर अधिकार बराबर रहा आया है वैदिकों का पूर्व में और हमेशा रहेगा। बहुत से लोग भूल भाल जाएंगे, कुछ लोग करते रहेंगे, तो बीज नष्ट नहीं होता, वो तो चलते ही जाएगा। ब्राह्मण वैदिक होते जाएंगे, ब्राह्मण तेज पूर्ण, क्षत्रिय क्षात्र तेज पूर्ण होते जाएंगे वेद के प्रभाव से, वैश्य लोग महालक्ष्मी का वो करके,
धन धान्य से पूरा करते रहेंगे समाज को। शूद्र लोग हैं ये तीनों लोगों की सेवा करके और अपने अपने धर्म में उन लोगों को सहायता करते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे। एक सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था की पूर्णता भारत में ही है और नहीं है कहीं, और नहीं है कहीं। तो ये चातुर्वर्णाश्रम व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था, चतुराश्रम व्यवस्था, ये समाज की आदर्श व्यवस्थाएं हैं। अपने क्या करते हैं, अंधेरे में किसी तरह से एक लैंप जला देते हैं, हो गया, प्रकाश आया, अंधेरा गया। ज्ञान दीपक, और कहाँ से जलाते हैं ज्ञान दीपक, बाहर से नहीं लाना, अपने यहाँ प्रथा है। हर एक आदमी गुरु बनाता है और गुरु उसको कुछ मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जप करने को कहते हैं, मंत्र के देवता होते हैं और उसका मंत्र का जप होता है, वो होता है। जब कभी आपत्तियाँ आती हैं तो उसकी कुंडली को दिखा लेते हैं, पहले से दिखा लेते हैं कि ये है ये है ये है ये है, और वो उसको पहले पहले से ग्रहों की शांति करा लेते हैं, ग्रहों की शांति करा लेते हैं, वो यज्ञ करा लेते हैं। ये जीवन के रहने का एक ये आदर्श व्यवस्था है, जिसमें क्या होगा, दुख नहीं आने पाएगा, आएगा तो जल्दी हट जाएगा जो कुछ होगा। बहुत पूर्ण जीवन। अभी क्या करते हैं, अपने भारत को वेद भूमि भारत के रूप में जगा देते हैं। नया कुछ नहीं करना अपने को, जो वैदिक हैं, बहुत पुराने पुराने वैदिक हैं, यहाँ वहाँ हैं, और वो बेचारे, वो सारी समाज की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है तो उनका सम्मान नहीं है, तो उनको सम्मान करते हैं। अभी जो हमने 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले ये विश्वव्यापी रामराज्य की स्थापना की है, विश्वव्यापी रामराज्य की जो स्थापना की है, तो विश्व प्रशासक हम बना रहे हैं, 1 लाख 2 लाख विश्व प्रशासक भारत में तैयार कर रहे हैं। वो तैयारी करने में उनको क्या है, वेद का पाठ करा देते हैं, उसके लिए ये रिसीवर्स लग गए हैं, और ये लड़के सब छोटी उम्र के, 10 से 20 वर्ष तक की उम्र के, वो सब वो याद कर रहे हैं ऋग्वेद, वो ऋग्वेदी बनेंगे, सामवेदी बनेंगे, यजुर्वेदी बनेंगे, अथर्ववेदी बनेंगे। ये अनमोल जो वेद के मंत्रों का ज्ञान है उसको अपने कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, और फिर यज्ञों के विधान जो हैं कि ये मंत्र इस वेद का ले लो, ये मंत्र इस वेद का ले लो, चारों वेद के लोग बैठते हैं, तो एक ऋग्वेदी ने एक मंत्र कहा, सामने वेदी ने कहा, यजुर्वेदी ने कहा, तो उसके विधान हैं, और जो विधान है उसे कहते हैं शब्द प्रमाण है। वो अपने 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 मन से नहीं बनाए जाते हैं, यज्ञ के विधान अपने नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। एक एक मंत्र का जो संबंध है, वेद के शब्दों का जो स्पंदन है, उसका व्यक्ति से, सारे विश्व ब्रह्मांड की समष्टि से पूरा संबंध होता है। इसको कहते हैं पूरी प्रकृति प्रभावित होती है, सारी प्रकृति प्रभावित होती है, और जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रकृति में क्रिया शक्ति ये प्रमाणित होती है, ये व्यवहारिक बनती है, उतना ज़्यादा ज़्यादा पुरुषत्व, शांत प्रशांत शिवत्व जागता जाता है। तो उधर शांत प्रशांत शिवत्व जागता है, इधर अनंत क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता जो विष्णु हैं वो हैं, और उनके जो ये हैं अवतार हैं, राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, पूरी की पूरी रामायण है, और पूरा का पूरा वेद शास्त्र राम की गाथा से भरा हुआ है। ये सब कपोल कल्पना नहीं है, ये अनादिकाल से राम नवमी मनाते चले आ रहे हैं,
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये जो ये कपोल कल्पना नहीं है। कई बार पिछले वर्षों में से हम बताते आए हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी रामायण को, पूरी महाभारत को, पूरे 18 पुराणों को मनुष्य के भौतिक शरीर के रेशे रेशे में पाया है। ये वेद विज्ञान है। वेद की कहानी वो कहानी नहीं है, वेद एक नित्य संस्था है, रामायण एक नित्य संस्था है। हर एक आदमी के शरीर में दशरथ बैठे हुए हैं, राम बैठे हुए हैं, माता कौशल्या बैठी हुई हैं, रावण है, लड़ाई हो रही है। ये सब अभी हमने जिनको ये राजा राम बनाया है, विश्वव्यापी राम राज्य का अधिष्ठाता बनाया है, राजा बनाया है, वो सारी फिजियोलॉजी को, सारे भौतिक शरीर में एक एक रेशे को देवताओं की सत्ता से भर दिया है। उसने बताया है कि कई कई यहाँ हैं, जितनी नस नालियाँ हैं उनके नामों का जो गुण है, उसी गुण वाली नाली यहाँ है, उसकी एक नस में ये है, ये है, ये है। हनुमान जी सारे शरीर में हैं, वो बड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं, रिद्धियों सिद्धियों का यह है, एक चक्रवर्तित्व का क्षेत्र है, वो हर एक आदमी के मस्तिष्क में है। भगवान बुद्ध हर एक के ये इधर ब्रेन स्टेम में बैठे हुए हैं, वो तो बैठे ही हुए हैं। ये रामायण है, ये गोल कपाड़ा नहीं है। और रामायण ये वेद का इतिहास है, ये विश्व का इतिहास है, जो प्रत्येक के शरीर में नित्य क्रियावान है। सबके शरीर में रामायण हो रही है और हमेशा हो रही है। सबके शरीर में महाभारत हो रहा है। सबके शरीर में कूर्म पुराण है, नारद पुराण है, स्कंद पुराण है। सबके शरीर में दसों अवतारों के चरित्र हो रहे हैं। चलो, इस पूर्ण ज्ञान का उदय है। भारतीयों, घी के दिए जलाओ। और भारत के रहने वाले, बाहर भी रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, सबको समय है कि अब घी के दिए जलाओ, अपने अपने जीवन में एक आनंद की सत्ता का प्रवाह करो, भावातीत ध्यान करके भीतर की पूर्ण ज्ञान की सत्ता को जगाओ, पूर्ण क्रिया की शक्ति को जगाओ।